हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? आई होप आप सब ठीक हो। और आज हमारा एसएस का सब्जेक्ट है, एसएस का टॉपिक है, तो उसमें हम आज करेंगे टूल्स। जो नियोलिथिक एज है उसमें कैसे टाइप के टूल्स वो इस्तेमाल करते थे उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। एज अ फार्मिंग गेन इम्पोर्टेंस, देयर वॉज अ डिमांड फॉर बेटर एंड मोर इफेक्टिव टूल्स। जैसे जैसे फार्मिंग का इम्पोर्टेंस बढ़ता गया, वैसे वैसे सारे टूल्स का भी डिमांड बढ़ती गई। सिकल्स एंड रिपिंग नाइव्स वर डेवलप्ड टू हार्वेस्ट क्रॉप्स। सीपल थी और सीपल और रिपिंग था, उसका इस्तेमाल हार्वेस्ट करने के लिए इस्तेमाल होता था। हार्वेस्ट मतलब जो क्रॉप था उसे खोदने में, उसे निकालने के लिए उसका इस्तेमाल होता था। हैवी टूल्स वर यूज फॉर डिगिंग एंड लेवलिंग द लैंड। हैवी टूल्स थे जो वजन में ज़्यादा थे, वो टूल्स का इस्तेमाल डिगिंग मतलब खोदने के लिए और लेवलिंग मतलब जो ज़मीन थी उसको एक लेवल में करने के लिए इस्तेमाल होता था। ग्राइंडिंग स्टोन्स वर ग्राइंडिंग स्टोन्स वर मेड फॉर प्रोसेसिंग सीरियल्स एंड अदर ग्रेन्स। जो ग्राइंडिंग स्टोन थे, जो स्टोन का इस्तेमाल कोई भी चीज़ को ग्राइंड करने के लिए, पीसने के लिए इस्तेमाल होता था, वो उसमें कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करते थे? सीरियल्स और ग्रेन्स, दाल और कठोल और वो सब थे, उसे वो सब कट करने के लिए, पीसने के लिए इस्तेमाल करते थे। कौन सा? ग्राइंडिंग स्टोन का। ओके, मोर्टर्स एंड पेस्टल्स वर आल्सो यूज फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन्स एंड अदर प्लांट प्रोडक्ट। मोर्टर्स एंड पेस्टल्स थी, उसका इस्तेमाल किसके लिए होता था? जो प्लांट्स थे उसको प्रोड्यूस करने के लिए। स्टोन एग्स वर यूज टू कट डाउन ट्रीज। जो स्टोन थे एग्स वाले, कुहाड़ी के जैसे जो शार्प थे वो स्टोन, उसका इस्तेमाल ट्रीज को कट करने के लिए करते थे। नियोलिथिक पीपल यूज पॉलिश्ड स्टोन एज दे नीडेड शार्पन एंड मोर रिफाइंड टूल्स। नियोलिथिकल पीपल क्या करते थे? जो स्टोन पॉलिश होते थे उसका ज़्यादातर इस्तेमाल कोई भी चीज़ को शार्प करने के लिए और रिफाइंड मतलब उसे क्लीन करने के लिए करते थे। द वुडन प्लो वॉज इन्वेंटेड ड्यूरिंग दिस पीरियड। वुडन प्लो मतलब जो लकड़ी का हिस्सा, वो किस नियोलिथिकल एज में इन्वेंट करा हुआ था। हाउएवर टूल्स ऑफ द पेलियोलिथिकल पीरियड कंटिन्यू टू बी मेड, सम ऑफ विच वर मेड ऑफ द बोन्स टू। उसमें से कोई भी बोन्स का भी इस्तेमाल करते थे कुछ भी टूल्स बनाने के लिए। अ वाइड रेंज ऑफ द बोन पॉइंट ऑल्स, नीडल, हार्पून्स एंड स्टोन एक्स हैव आल्सो बीन डिस्कवर्ड एट नियोलिथिकल साइट्स। आप देख सकते हो कि ओवल्स का मीनिंग है अ स्मॉल पॉइंटेड टूल यूज फॉर मेकिंग होल। होल बनाने के लिए कुछ चीज़ थी वो, फिर नीडल, हार्पून्स मतलब और लाइक वेपन, वो वेपन बनाने के लिए, या फिर कुछ भी नीडल और कुहाड़ी और वो सब शार्प चीज़ें बनाने के लिए वो बोन्स का भी इस्तेमाल करते थे। नियोलिथिकल पीपल ऑल्सो मेड ऑर्नामेंट ऑफ कॉन्च शेल्स एंड टर्क्यूज बेड्स। क्या करते थे नियोलिथिकल पीपल थे, वो क्या ऑर्नामेंट्स बनाते थे? तो वो ऑर्नामेंट्स किस में से बनाते थे? जो कॉन्च नाम का जो इंसेक्ट है, जो सी क्रिएचर है, उसके शेल था। शेल मतलब उसके जो ऊपर का हिस्सा होता है, हमारे जो टोर्टोइज होते हैं, टर्टल होता है टर्टल, तो उसका जो शेल होता है, हिस्सा जो कड़क होता है उसे शेल बोलते हैं। वो ऐसा वो एक क्रिएचर है कॉन्च, तो उसके शेल में से और टोर्टोइज के शेल में से बीड्स बनाते थे। बीड्स मतलब कोई भी निशानी बनाने के लिए हम उसे बीप भी बोलते हैं, वो भी बनाते थे। रिमेन्स ऑफ नेकलेस, ब्रेकलेट्स एंड ईयरिंग्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड फ्रॉम द नियोलिथिकल साइट्स। नियोलिथिकल एज में नेकलेस, ब्रेसलेट्स वो सब चीज़ें बनाते थे।
अभी आता है न्यू टॉपिक पॉटरी। पॉटरी हम किसे बोलते हैं? जो पॉटर करते हैं, जो मटका और वो सब बनाते हैं, उसे हम पॉटरी बोलते हैं। जो भी चीज़ मिट्टी से बनती है उसे हम बोलते हैं पॉटरी। ड्यू टू सरप्लस प्रोडक्शन ग्रेन्स हैड टू बी स्टोर्ड। उसका इस्तेमाल क्यों किसके लिए करते थे? तो जो स्टोर कोई भी चीज़ को स्टोर करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल ग्रेन्स, दाल चावल वो सब स्टोर करना है तो किसमें करते हैं? जो पॉटरी, जो मिट्टी का घड़ा होता है उसमें से बना, उसको स्टोर करते थे। पॉट्स वर नीड फॉर स्टोरिंग एक्सेस ग्रेन्स मिल्क एंड वाटर। पॉट्स का इस्तेमाल वो किस लिए करते थे? जो कोई भी चीज़ होती है, ग्रेन्स होती है, मिल्क होता है, वाटर होता है, उन सब को स्टोर करने के लिए करते थे। ह्यूमन मेड वेसल्स ऑफ क्ले एंड बेक देम ऑन फायर। सारे लोग क्या करते थे? वो वासन थे उसका इस्तेमाल क्ले, माटी में से बनाते थे और उसमें फायर, फायर मतलब आग, आग के ऊपर उसे बेक करने में इस्तेमाल करते थे। दिस ड्यूरेबल पॉट्स वर ऑल्सो यूज फॉर कुकिंग एंड ईटिंग। ये ड्यूरेबल मतलब इसका दोनों इस्तेमाल होता है, कुकिंग करने के लिए भी और खाना खाने के लिए भी। तो ये दोनों चीज़ें वो पॉटरी की चीज़ में से मिलती है। अभी आता है इन्वेंशन ऑफ व्हील। व्हील का इन्वेंशन कब हुआ? ये व्हील, हमने पहिया नहीं होता तो हम जल्दी से एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। आपको पता है कि हम पैदल जाते तो कितना वक्त लगता है, तो वैसे ही ये इन्वेंशन कब हुआ? इन्वेंशन मतलब शोध। व्हील कब, किसने शोधा और उसका कैसे स्टार्टिंग हुआ? चलो ऊपर कर दीजिए मैडम। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ द नियोलॉथिकल पीपल वॉज द व्हील। नियोलॉथिकल पीपल ने सबसे बड़ा इन्वेंशन कौन सा करा? व्हील का। द पॉटर्स व्हील वॉज यूज टू मेक बेटर पॉट्स विथ क्ले। आप देख सकते हो कि कुम्हार है, वो अपना जो पॉटर बनाता है, पॉट बनाता है, तो वो पहिया होता है उसको गोल गोल घुमाता है, तो वो किसके लिए यूज होता था? पॉटर के लिए भी। हैवी ऑब्जेक्ट्स कुड बी ट्रांसपोर्ट ऑन व्हील। जो हैवी ऑब्जेक्ट था, जो हैवी टूल्स थे, उसका इस्तेमाल व्हील्स की मदद से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए करते थे। इट इम्प्रूव ट्रांसपोर्ट एंड क्विकन द पेस ऑफ डेवलपमेंट। वो क्या करते थे? जो उसका जो ट्रांसपोर्टेशन से ट्रांसपोर्टेशन है उसकी मदद से वो जल्दी से अपना वर्क कंप्लीट करते थे। पॉसिबली द व्हील्स वॉज यूज टू स्पाइन कॉटन थ्रेड विच कुड देन बी वून इन द क्लॉथ। और उसके बाद क्या हुआ कि कॉटन के थ्रेड थे उसका भी इस्तेमाल कोई भी चीज़ को, वूलन की चीज़ को बनाने के लिए करते थे। चलो ये हमको नहीं करना, ये है केस स्टडी है, इसीलिए अभी इसके नीचे आती है टाइमलाइन। ये नियोलॉथिकल पीरियड है, उसकी टाइमलाइन है। बिगिनिंग ऑफ द मेटल्स, देखो यहाँ से स्टार्ट करके जब हम यहाँ तक पहुँचे तभी स्टार्ट हुआ मेटल का यूज़। उसके बीच में किसका यूज़ होता था? पॉटरी की चीज़ का और वो सब का इस्तेमाल होता था। 8000 BCE, 7000 BCE, 6000 BCE, 5000 BCE, 4000 BCE एंड 3000 BCE। अब 3000 BCE के बाद से हम ज़्यादातर मेटल की चीज़ का इस्तेमाल करने लगे। चलो ये है समरी। द पीरियड फ्रॉम अराउंड 8000 BC टू 3000 BC इज कॉल्ड द नियोलॉथिकल एज। नियोलॉथिकल एज कब तक चली? 8000 BCE से 3000 BCE तक। ह्यूमन्स बिगन फार्मिंग एंड ट्रांसफॉर्म फ्रॉम द हंटर्स एंड गैदर्स टू द फार्मर्स एंड हेडर्स ड्यूरिंग द पीरियड। क्या होता था? फार्मर्स थे वो क्या करते, खेती करने लगे, और जो लोग थे वो अपनी खाने की शोध कर रहे थे, वो भी अपने खाना गैदर मतलब इकट्ठा करने लगे। ड्यूरिंग दिस पीरियड ह्यूमन डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स फॉर एग्रीकल्चरल पर्पज एंड टू एंश्योर टू अ रेगुलर सप्लाई ऑफ मीट एंड मिल्क। उस वक्त लोग क्या करते थे? डोमेस्टिक एनिमल रखते थे
और उसका इस्तेमाल एग्रीकल्चर के लिए करते थे। और इसी तरह वो हमें क्या देता है, एनिमल मिल्क एंड मीट देते हैं। द हाउसेज वर मोर परमानेंट सच एज पीट हाउस विद द हट्स एंड स्टडी वेल। क्या हुआ कि उस वक्त घर कैसे थे, पीट हाउस थे और वहाँ के वेल्स भी कैसे थे, हीटर्ड एंड सर्टिड थे। अभी आता है नियोलॉथिकल पीपल यूज पॉलिश स्टोन एज अ थे नीड शार्पन एंड मोर रिफाइंड टूल्स। वो नियोलॉथिकल पीपल थे, वो क्या करते थे कि जो स्टोन थे पॉलिश हुए थे उसका इस्तेमाल कोई भी चीज़ को शार्प करने के लिए या फिर क्लीन करने के लिए करते थे। रिफाइंड मतलब उसको पीसने के लिए करते थे। पॉट्स वर नीडेड फॉर स्टोरिंग एक्सेस ग्रेन्स मिल्क एंड वाटर। पॉट्स का इस्तेमाल किस लिए करते थे, कोई भी चीज़ को स्टोर करने के लिए, मिल्क हो, वाटर हो या फिर ग्रेन्स हो। ओके, इन्वेंशन ऑफ द व्हील्स मेड पॉटरी पॉसिबल। व्हील का जो इन्वेंशन हुआ उसकी मदद से जो पॉटरी थी, जो कोई भी मिट्टी में से बनाने वाली चीज थी, वो जल्दी से बन जाती थी। चलो अभी उसके बाद आता है थिंक आई नो। ये आपकी एक्सरसाइज है, ये मैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। ओके बच्चों, अभी आपको कुछ भी क्वेरी हो हमारे लेसन में, कोई भी डाउट हो तो आप वो डाउट सॉल्व कर सकते हो हमारे स्कूल पे, स्कूल के नंबर पे कॉल करके। तो अभी आपको मैं होमवर्क देती हूँ, वो आपको अच्छे से जल्दी से लिख लेना है। होमवर्क करोगे तो याद रह जाएगा सभी होमवर्क। राइट पेज नंबर 26 वन टाइम। आपको पेज नंबर 26 वन टाइम लिखना है और आपको उसमें कुछ भी क्वेरी हो या डाउट हो तो आप हमारे स्कूल के फोन पे कॉल करके पूछ सकते हो। ओके बच्चों, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।